मार्वल की सुपरहीरो सीरीज एवेंजर्स एंडगेम के सुपरहीरोज दुनिया को बचाने टाइम ट्रेवल करते हैं। उनकी यह जर्नी इमोशन, एक्शन, कॉमेडी हर चीज के साथ चलती है और आखिर वे दुनिया को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। थानोस और उसकी टीम का अंत वही होता है जो वे दुनिया के साथ करना चाहता था। लेकिन इस कहानी में कुछ सुपरहीरोज भी हमेशा के लिए दूर हो रहे हैं। फिल्म के इसी हिस्से ने दर्शकों को रोने पर मजबूर कर दिया। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने भी फिल्म को मार्वलस कहा है। आखिरी 45 मिनट सबसे दिलचस्प। एवेंजर्स इन्फिनिटी से कहानी से आगे बढ़ती है। शुरू के 15 मिनट में ही थानोस का खात्मा हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मांड को वापस लाने के लिए आयरन मैन जिम्मेदारी उठाते हैं और सारी मणियां खोजकर थानोस को मारते हैं। इसके साथ ही इन्फिनिटी वॉर में मारे गए सभी सुपरहीरोज वापस जिंदा हो जाते हैं। फिल्म के आखिरी 45 मिनट सबसे दिलचस्प होते हैं, जिसमें ऐसे ट्विस्ट सामने आते हैं कि दर्शक रोने पर मजबूर हो जाते हैं। 4 सीरीज की एंडिंग फिल्म बजकर 15 मिनट में एक नए ट्विस्ट के साथ टर्न हो जाती है। लेकिन सबसे भावुक क्षण होते हैं सुपरहीरोज की मौत के, जब लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि मार्वल की 22वीं फिल्म में सुपरहीरो ही नहीं बचते। आखिर में सारे सुपरहीरो साथ आकर यही कहते हैं कि हर एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती। कास्ट क्रेडिट के दौरान भी लोग अपनी सीट छोड़ने तैयार नहीं होते, कहीं ऐसा ना हो कि अगली फिल्म का कोई क्लू छूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह सीरीज की आखिरी फिल्म ही है। क्यों देखें फिल्म? किसी बॉलीवुड मूवी के लिए आज तक इतना क्रेज नहीं देखा गया जितना एंडगेम के लिए रहा है। देश भर में फिल्म के लिए करीब 2.5 मिलियन टिकट्स एडवांस बुकिंग हुई है। वहीं ट्रेड एक सपर्क्स ने भी इसके पहले ही दिन 45 से 50 करोड़ की कमाई करने के आसार जताए हैं। हालांकि अगर आप सुपरहीरोज के फैंस हैं, एक्शन वीएफएक्स के शानदार सीन देखने में रुचि रखते हैं, इन्फिनिटी वॉर से आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो फिल्म जरूर देखें।